बेटी पायल, जो काम धाम छोड़कर कहाँ चली गई थी? ओहो माती, आप बिना इन छोटी मोटी चीजों की टेंशन लेती रहती हो। अपने दिमाग के लालटेन में थोड़ा तेल डालो। अरे पायल, साफ साफ बोलना। इब देखो माची, प्रज्ञा ने तो अपने पैर पे जोर से कुल्हाड़ी मार ली, नुकसान कर लिया अपना। इब हम तो अपने बारे में सोचे, हमारा बरदान तो समझदार से, वो जल्दी सीए बन जाएगा, उसने नौकरी मिल जाएगी, फिर दुनिया भर की लड़कियां ना उसके इर्द गिर्द चक्कर काटेंगी। मारा बरदान तो बहुत समझदार से, काबिल से, वो जो भी छोरी चुनेगा ना बहुत समझदार होगी और अच्छी होगी। छोरी आनी टेरी हुई तो वो भीतर से कुछ और सामने से कुछ हुई तो? पहेलियां बुझाना बंद कर, साफ साफ बोल मने तू के चाह रही से। हाँ इब मैं आपने बताऊं कि मैं के बोलना चाहूं। पुनिया जी की इकलौती छोरी, आज ही फोटो दिखाई है पंडित जी ने। आए मालती, इब कित जाके मरूं मैं, यो भी तू अपनी बड़ो बहुत बूझ ले। भाभी मैं मानती हूँ कि ये जो कुछ भी वैसा ही ना हुआ है, पर मेरी बात सुनो, आप इतना नाराज होगी ना तो बीमार हो जाओगी। शांति से बैठ के बात करते हैं। बातचीत, और वो भी इस तरह? यो तो बिना बातचीत के अपनी मर्जी से सांग रचना जाने से। देवर जी ने लाठी आते सिर पर चढ़ा रखा है, इस पड़ो ने डाल बन के खड़े हो जाए ये इसके सामने। सही बोलिया था संग्राम सिंह ने, आज इस बड़ो ने अलावत खानदान को धूल चटा दी, धूल।